मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की आज संसदीय लोकतंत्र की पारी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी संसद में पहुंचने वाली गांधी परिवार की 10वीं सदस्य बन गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष में ओम बिरला ने प्रियंका गांधी का नाम पुकारा, जिसके बाद वो हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंची और शपथ ली। शपथ लेने के बाद जब वो नीचे उतर कर आ रही थी, तब भाई राहुल गांधी ने आदर के साथ बहन का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। प्रियंका ने भी भाई का सदन में कुछ इस तरह से अभिवादन स्वीकार किया। राहुल की भाव भंगिमा को ही देखकर ये बताना बहुत ही आसान है कि वो बहन प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री को लेकर कितने खुश हैं। अपने राजनीतिक सफर के इस खास मौके पर प्रियंका गांधी सफेद रंग पर गोल्डन बॉर्डर की साड़ी पहने नजर आईं। प्रियंका के जीवन का पहला लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा। पहले चुनाव में ही वो 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। आज प्रियंका ने लोकसभा के अंदर पद और गोपनीयता की शपथ ली। संसद भवन पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो बहुत खुश हैं। प्रियंका माँ सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद भवन पहुंची हैं। माँ सोनिया बिटिया प्रियंका गांधी को संसद भवन ले जाती हुई दिखाई दी। गांधी परिवार के लिए ये एक और बड़ी कामयाबी है। जहां प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बाद गांधी परिवार से संसद पहुंचने वाली चौथी महिला सदस्य बन गई हैं। वायनाड में राहुल गांधी की खाली की गई सीट पर हुए वायनाड उपचुनाव में प्रियंका ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका को वायनाड से प्रत्याशी बनाया था। इस तरह आज से गांधी परिवार के 3 लोग संसद में दिखाई देंगे। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, प्रियंका वायनाड से सांसद चुनी गई हैं, जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ है, ये 20 दिसंबर तक चलेगा। माना जा रहा है कि प्रियंका अब भाई राहुल के साथ लोकसभा में केंद्र सरकार को घेरेगी। संसद में पहुंचने से पहले भी प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार के कामकाज को घेरती रही हैं। अब से प्रियंका गांधी संसद भवन के अंदर गरजती नजर आएंगी। प्रियंका ने हिमाचल से लेकर केरल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था। प्रियंका ने तेलंगाना में भी प्रचार की कमान संभाली थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज उन्हें शपथ दिलवाएंगे। इस बीच विपक्षी दल मोदी सरकार को आज अडानी से लेकर महंगाई के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बना चुका है। लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल के साथ मिलकर पूरे देश में प्रचार किया था। वो केंद्र के कई मुद्दों की काफी आलोचना करती रही हैं। अब बतौर सांसद वो सदन में मोदी सरकार के कामकाज को लेकर हमला भी करती दिखाई देंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।